रोला है ये सिस्टम, फॉलो कर लेना। सो गाइस उसमें देखो ये दुबई वाले भाई साहब भी आ चुके हैं हमारे जी भाई, तुम्हें पता ही है घर। ठीक है गाइस, तो अभी स्कूटी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, फिर दिखा जाओ। सो गाइस ये हमारी स्कूटी, तो आज हम बड़े लंबे ड्राइव में जा रहे हैं। ठीक है, और पहले हमने पूजा पाठ करने के लिए आए थे, शादी भी हो रही है तो शॉपिंग भी कर दी है मैंने सारी शॉपिंग। Q&A वीडियो, Q&A बस रखे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर हमारे सब्सक्राइबरों के जो मेरे से किए गए हैं, तो उनके जवाब आपको आज दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले है साक्षी वोरा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीरज मेहर जस्ती फिर से अपने नए ब्लॉग में आ चुका हूं। मेरी मूवी स्पाइल देख रहे हो तो कुछ सोचो कुछ स्पेशल है, आज सरप्राइज है कुछ। ठीक है गाइस, सरप्राइज अभी तुम्हें नहीं बताएंगे, अभी किसी को नहीं बताया, बट आज जा रहा है तुम्हारा भाई एक छोटा सा वाहन लेने। ठीक है, छोटा सा, तो बनिए रहिए व्लॉग में। तो गाइस जाते हैं मार्केट की तरफ, गुड लुकिंग बन हम जा रहे हैं। पहले गुलजू मंदिर जरूरी हुआ, क्यों पूजा पाठ, गाइस पूजा पाठ करनी जरूरी है। अभी दिखाते हैं आपको मस्त, अभी राइडर तो अभी कोई और है गाइस, कहीं नई नई स्कूटी बना हो जाए ना, तुम्हारा भाई अच्छे से चला भी तो नहीं पाता है। तो स्कूटी यहाँ खड़ी करके अब हम जाएंगे, पहले इसकी पूजा पाठ जरूरी है ना गाइस, बिना पूजा पाठ के कहाँ होगा। तो आज हम जा रहे हैं अब गुलजू मंदिर में आ रखे हैं। देखो गाइस, जाओ मालिक दान है तुम रिपोर्ट भला हो, इससे आशीर्वाद बनाए रखा। अभी अंदर जाएंगे गाइस, और मेरे साथ है हमारे जीजाजी, देखो ये हमारे साथ जीजाजी भी हैं। जीजाजी भयंकर राइडर है, इसलिए जीजाजी को अभी वो दे रखी है। सो गाइस ये हमारी स्कूटी, तो आज हम बड़े लंबे ड्राइव में जा रहे हैं। पंडित जी आ चुके हैं हमारी स्कूटी का पूजा पाठ करने, और स्कूटी के मालिक हैं गाइस ये, आपके साथ बहुत तगड़ा मोए मोए हो चुका है। तो ये स्कूटी है हमारे जीजाजी की, जीजाजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तो गाइस स्कूटी में ही घूमेंगे मेरे जीजाजी। जीजाजी को जानते नहीं हो तो मैं बताता हूँ कि ये मेरे जीजाजी हैं, और ये वहाँ पे काम करते हैं दिल्ली में, तो पता है ना कालीघाटा जो गया होगा उसको पता होगा गाइस कि कितना बड़ा स्वीट्स है, और वहाँ के मैनेजर साहब है। आपको बहुत बहुत बधाई है सबसे पहले तो। थैंक यू। ठीक है गाइस, हाँ मुझे भी बधाई, मेरी ही स्कूटी है समय तो गाइस। फील हुआ स्कूटी लेके, मजा आया ना। तो गाइस देखो इतनी खुशी है गाइस, देखो स्कूटी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गाइस ऐसे ही तरक्की करते रहो, चौगुना पगना तरक्की। यहाँ पे अपनी स्कूटी पे माला लगाते हुए देखो गाइस, ये देखो गाइस, गाइस देखो ये गाइस, शादी भी हो रही है तो शॉपिंग भी कर दी है मैंने गाइस, सारी शॉपिंग। आप लोग भी आइए मेरी शादी में। शादी इनकी है, बर्जू तो ये है देखो, ये हम तो खाली मतलब मजे ले रहे थे, बट ये है हमारे असले दूल्हा दूल्हे राजा। 3 तारीख को सिस्टम इनकी शादी में ले जाएंगे हमारे। सो गाइस जस्सी ब्लॉगर, ये देखो गाइस रोला है ये सिस्टम, फॉलो कर लेना। सो गाइस ये 9 के बच्चे देखो ये, बाय 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 बाय, मिलते हैं फिर तुम्हारी शादी में, और जिया जी नई नई स्कूटी का आनंद लो गाइस। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस अब मैं जाऊंगा शादी में, कि संगीत में मतलब, क्योंकि सुबह उनकी पूजा करनी थी, तो जीजाजी ने कहा अकेला हूँ आधे, मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा कंटेंट क्रिएट करूंगा मैं, उसके बाद जाऊंगा मैं संगीत में। ये देखो गाइस दही देने वाले भाई लोग अपने। अरे जटी मन यादो अभी तो तीन जन रोए, अरे मजा शुआ छोड़ के रो या मेरा। संगीत में गया था वहाँ पे, अब मैं आ गया हूँ क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, तो इम्पोर्टेंट काम है मतलब कुछ पर्सनल, तो मैं जा रहा हूँ अभी, साथ संगीत नहीं दिखाया उसके लिए सॉरी गाइस। ठीक है, तो मुझे जाना है घर जल्दी, तो फिर बनाते हैं व्लॉग घर में जहाँ भी बनेगा, मतलब आज ऐसा ही हो गया दिन तो मतलब क्या ही बस। तो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, क्योंकि यार थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था तो मैं नहीं कर पाया, तो मैंने कहा कुछ Q&A वीडियो Q&A बच रखे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर हमारे सब्सक्राइबरों के जो मेरे से किए गए हैं, तो उनके जवाब आपको आज दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले है साक्षी वोरा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे अच्छा साक्षी वोरा जी का क्वेश्चन है, जस्सी दादा आप इतने स्मार्ट कैसे हुए। ओ गाय कौन सी क्रीम लगाता हूँ, मैग्लो क्रीम लगा के, बाकी तो क्या ही बताऊँ, वही क्रीम लगाता हूँ तो स्मार्ट उससे हुआ होगा। प्रियांशी ठाकुर जी का कमेंट, यूट्यूब की शुरुआत से अभी तक की जर्नी कैसी रही, और कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बाकी फुल सपोर्ट, थैंक यू। बहुत यार क्या ही बताऊं, मतलब परेशानी मतलब दिक्कत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा, बट तुम्हारा भाई सीखते गया, और आज थोड़ा बहुत ग्रो कर रखा है, तो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, तो ऐसे प्यार बनाए रखें। और दिक्कतों का सामना ये पड़ा कि पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल खरीदने के बाद सब्सक्राइबर नहीं थे, फिर उसके बाद वीडियो बनाई, सब्सक्राइबर आए, सब्सक्राइबर आने के बाद धीरे धीरे होते जाता है, भगवान तुम्हें पता है
जब तुम किसी चीज़ को दिल से करते हो तो भगवान भी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, और आप लोग तो भगवान से कम नहीं हो, ठीक है, फुल सपोर्ट, थैंक यू। फिर एक दिन स्टोरी बनाई जाएगी इस चीज़ में कि क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या सामने, तो ब्लॉग ही बनाया जाएगा, ठीक है, तो उसका आंसर फिर अच्छे से वहाँ दिया जाएगा, ठीक है। आना, आपको लव कब हुआ था और कैसे हुआ था? भाई लव कैसे होता है, सिस्टम के हिसाब से लव हुआ और सिस्टम के हिसाब से लव खत्म हो गया। अब यहाँ ना कोई यहाँ फीलिंग है ना यहाँ फीलिंग है, बस अब मेरे पास दिल नहीं फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़े में अब मैं सांसें लेता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है, प्यार हार के लिए कोई जगह नहीं है जिंदगी में, ठीक है। भुवन भट्ट जी का क्वेश्चन है, हेलो ब्रो, आपकी इनकम कितनी है और आपने कितने तक पढ़ाई की है और शादी कब कर रहे हो? भाई मेरी इनकम तो क्या ही बताऊँ, मतलब इनकम ठीक ठाक है मेरी, मेरा खर्चा चल जा रहा है अच्छे से, तो मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है, तो इनकम क्या ही बताए यार, कोई इनकम बताता अपनी, गवर्नमेंट जॉब वाले भी अपनी इनकम नहीं बताते, तो हम भी इनकम के बारे में यही लगा लेते हो कि महीने की मतलब एक प्राइवेट नौकरी वालों जितनी मिल जाती है, सरकारी जितनी तो नहीं मिलती है, प्राइवेट नौकरी वाले जितनी मिल जाती है शुरुआती दौर में जब काम करते हैं। और पढ़ाई कर रखी है बीए, और शादी, अभी शादी जब तुम्हारा भाई का सिस्टम हो जाएगा शादी तब कर ली जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है शादी का। हाँ, और अंजलि शाही, आपकी व्लॉगिंग से पहले क्या ड्रीम था? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो अंजलि शाही, मैं आपको जानता हूँ वैसे, आप भी थोड़ा घर से हो, बट आपका क्वेश्चन हम बिल्कुल बताएंगे। इससे पहले सबका जो उत्तराखंड का सबका ब्लॉन्डो का ड्रीम क्या होता है? आर्मी, वन मैन आर्मी बनने का पाप था, आर्मी में भर्ती होने का, बट नहीं हुए दुर्भाग्यवश, तो कहीं रुक गए, कहीं कुछ हो गया, तो कोई बात नहीं, अब जो होता अच्छे के लिए होता है, इसी चीज़ को आगे बढ़ गया था मैं, तभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, तो पहले मैंने बहुत मेहनत करी थी, नहीं हुआ, जो होता अच्छे के लिए होता है कहते हैं, तो ठीक ही है, चल रहा है, सही हो रहा है, सिस्टम नहीं है, मतलब पॉजिटिव रहो। जब मैं भर्ती नहीं हुआ तो मैं ऐसे टूटा नहीं, मैंने कहा जो होता अच्छे के लिए होता है, इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ चुका था, ठीक है। और बेस्ट व्लॉगर और यूट्यूब कौन है तेरा? मेरा ये है बेस्ट राहुल चौधरी। बेस्ट व्लॉगर और यूट्यूबर कौन है तेरा? मेरा एलविश यादव है और मैं उसे देखता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है, और उसके ब्लॉग्स भी मुझे पसंद है और वीडियो भी पहले से देखता था जब मैं 12th में पढ़ता था, तो अब तो कई साल हो गए, कई सालों से देखते आ रहा हूँ उसको। प्रत्युष, मार्केट कब आओगे? मार्केट तो मैं आते रहता हूँ प्रत्युष भाई, तुम्हें मिलते रहता हूँ। हाँ, इशिता जी, वाह, वेरी नाइस नेम, इशिता। तो अपनी तारीफ कर दीजिए, ओ माई गॉड, मैं अपनी तारीफ, गाइस लुक सो ब्यूटीफुल, बस हो गया, तारीफ होगी खत्म। हाँ गाइस, तारीफ इतनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तारीफ अपनी तारीफ क्या ही करूँ, तुम लोग कर ही देते हो कमेंट में, तो पढ़ के खुश हो जाता हूँ, स्माइल ले आते हो फेस पे जब तारीफ करते हो। कार्टून कुछ आईडी है, अब जो भी है कह रहे हैं बिग फैन बड़े भाई, बहुत जल्दी आप आगे जाओगे दादा, नमस्ते। नमस्ते, जीते रहो, आशीर्वाद बने रहे मेरी, जितनी लंबे हो जाओ और क्या ही आशीर्वाद, इस पहला बच रहे झुन पुल्लु हुए वाली बात है ना। भावना गहतोड़ी, नाइस दादा, ठीक हो गया। हाँ, और विमला भंडारी, नाइस दादा। और योगेश कापली जी, तुम ये बताओ ये फोटो कहाँ खींची? ये फोटो खींची है मैंने, जो फोटो में आप लोगों ने कमेंट कर रखा है, ये फोटो खींच रखी है मैंने, उसमें राहुल ढेक पार्लर पे, ठीक है, वहाँ जाइए, वहाँ बहुत ही अच्छा मेकअप भी होता है और फोटो शूट के लिए भी बहुत बढ़िया बनाया राहुल भैया ने, तो आप लोग जा सकते हैं वहाँ, फोटो खिंचा सकते हैं, ठीक है। और लड़कों के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लड़कियाँ ऑब्वियसली जा सकती है, ठीक है। और निकिता बोहरा जी, दादा आपकी शादी कब होगी? मेरी शादी का मुझे नहीं पता कब होगी, बट हो जाएगी जल्दी, टेंशन मत लो, जस्सी भाई को फुल सपोर्ट करो, जस्सी भाई फिर शादी करेंगे, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं एक बार, हमारी भी कर सकते हैं शादी, एक दिन तो करनी है, जब भी होगी, ठीक है, कर लेंगे। और एक और है नीरज नाम के हैं, हमारे नाम के नीरज बोहरा, क्या आपने कभी पापा के पर्स से रुपये चुराए हैं बचपन में? नाम नीरज सिंह। और एक ने स्कूल कभी गोल मारा है? भाई पैसे तो कभी नहीं चुराए हैं भाई, ऐसी गंदी आदत मेरी थी नहीं जो पैसे चुराऊं, बट हाँ गोल तो मारा है भाई स्कूल में, मैंने इंटरवल में घर आ जाता था क्योंकि मैं GIC में पढ़ता था, और GIC में पढ़ने के बाद मैं ट्यूशन जाता था, इसी वजह से मैं पास भी हो गया, वरना मैं फेल हो जाता, क्या पता मैं ट्यूशन जाता, क्योंकि स्कूल में 4 पीरियड तक तो अच्छी पढ़ाई होती थी, उसके बाद इंटरवल के बाद उतना खास होता नहीं था, तब अब तो अच्छी पढ़ाई होती है तो खुशी होती है हमें। अगला क्वेश्चन है अंबा भट्ट, GF है क्या? भाई जिंदगी में सब कुछ है, GF नहीं है क्या? GF चाहिए भी नहीं अभी मुझे, गाइस अभी मुझे सिंगल रहने दो, मैं सिंगल खुश नहीं, अच्छा नहीं लगता क्या तुम्हें? तो कितना सिंगल, एकदम बेफिक्र कहीं भी जाओ, किसी से भी मिलो, कुछ करो, इंजॉय करो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो सिंगल ही रहने दो मुझे, जब तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो जाता, उसके बाद सोचेंगे क्या पता प्यार इसी लग जाए तो फिर शादी कर लेंगे, ठीक है, शादी करेंगे। अब क्या GF बना यार, GF का जमाना गया, अब GF गई भाड़ में।
राजेश जोशी, आपने कभी स्कूल गोल मारा है? रियल में बताना और आपकी मंथली इनकम कितनी है। गाइस रियल बता रहा हूँ, मैंने गोल मारा है गाइस, गोल नहीं मारा है, मतलब इंटरवल में पक्का स्कूल से भाग कर आया था, बट भागना नहीं चाहिए गाइस, बहुत गलत बात है। बट उस टाइम पे यार जोश होता है, अब जोश हमें अभी पता चलता है कि नहीं भागना चाहिए। अब जब बच्चों को देखता हूँ कभी, अभी आजकल तो नहीं भागते, बीच में देख रहा था तो लगता था यार हम भी ऐसे करते, बट रॉन्ग गाइस, इसको पढ़ो, ठीक है पढ़ो लिखो बनो नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक गेमर, आपके मंथली अर्निंग क्या है, क्या इससे आपके पेरेंट्स खुश है? योगेश महर फ्रॉम मंच, मंच वाले योगेश भैया, हमारी फैमिली क्या पूरा चंपावत खुश है मेरे से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फैमिली को पता ही है यार, फैमिली खुश है क्या, फैमिली को पैसा मिलेगा वो खुश नहीं होगी क्या? जितनी भी इनकम है घर में पैसा आना चाहिए, बस खुशी खुश, ठीक है। और बाकी आपका ये क्वेश्चन और है कि आपको कौन सा गेम पसंद है, हमें गेम पसंद है उछली बैठ चली कबड्डी गाइस, ठीक है। ये गेम तुमने सुने भी नहीं होंगे बट हम आपको बता रहे हैं, आप कह रहे हो कि मतलब पबजी हबजी वाले हो आप, बट हम आपको बता दें कि हमारे जमाने में गिल्ली डंडा, ये पबजी हबजी नहीं होता था, गिल्ली डंडा होता था, उठ चली बैठ चली संपोलिया, ये गेम हमारे फेवरेट हुआ करते, क्रिकेट और फुटबॉल बस यही गेम हमारे फेवरेट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष थवाल जी, आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम ये है कि अब यूट्यूब में जल्दी से जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए और उसके बाद पैसा ही पैसा, फिर गाइस क्या बताऊँ गाइस, ड्रीम यही है यार कि सोशल मीडिया में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लूँ मैं। अब शुरुआत करी है तो अब एंड बहुत लंबा करूँ, और बाकी कोई ऐसा कुछ ड्रीम है नहीं, और लोगों की हेल्प करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसा हो, और बाकी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बने रहे ऐसे ही, ठीक है गाइस, ठीक है। और बाकी गाइस इतने ही क्वेश्चन थे, तो सबका जवाब मिल गया, किसी का नहीं मिला है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर दे, और बाकी बताया गया है तुम्हें सबके जवाब मिल ही गए होंगे, लगभग मैंने दे ही दिए हैं, हाँ सबके दे दिए हैं। भाई के दिल भी ला रखे हैं, माही भंडारी व्लॉग और इशू शॉर्ट्स, दिल और अंकु, ये सारी बहनें हैं, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारी पोस्ट पे रोज रोज कमेंट करते हो, तो आप लोग भी लाइक एंड कमेंट शेयर तब आगे करें जस्सी भाई को। और बाकी गाइस शादी में संगीत व्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरे को एक अर्जेंट कॉल आ गया था, मुझे कहीं जाना था, तो फिर मैंने कहा आपने एक Q&A वीडियो बस रखा, उसको अच्छे से बना के दिखा बता देते हैं, ठीक है। और ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई करो, ठीक है, मेरी तरह नहीं तो फिर ब्लॉग बनाना पड़ेगा और फिर खाली फेमस हो रहोगे, ठीक है। प्यार चक्कर कोई नहीं है, सब फर्जी है, ठीक है। तो लाइफ में आगे बढ़ो, बी पॉजिटिव रहो, ठीक है, लाइफ में जी अब पैसा कमाओ, मेन चीज है पैसा, जी अब तो बन जाती है भाई, तुम्हारा पैसा है ना, जी अब 10 जी अब तैयार है तुम्हारे लिए, अगर पैसा नहीं है ना एक भी बनने को तैयार नहीं है, ठीक है। मुझे देख लो गाइस सिंगल पड़ा हूँ, पैसा नहीं है, सकल से क्या करोगे, सकल का क्या अचार डालोगे, सकल से कुछ नहीं होता गाइस, पैसा चाहिए, ठीक है। तो गाइस आज का ब्लॉग इधर ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में, कल तो मैं बाराती बरित्या जा रहा हूँ, लेट ढुंझुकू करके आऊंगा, ठीक है, रोला रप्पा, तो मिलते हैं आपको, बाय बाय गाइस, नमस्कार सिस्टम, बाय बाय।